व्हाट्सअप गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग फ्रेंड्स के नाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक से। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किसी एक पेज के सारे फोटोज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पेज के साथ, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी करना चाहिए तो अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मैं खोल रहा हूँ हमारा और आपका पेज हिंदी कोडिंग जोन, और ये खुल गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने mbasic.facebook.com से खोला है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने आप लोग को जैसे कि बताया कि वेब स्क्रैपिंग जो है चीज़ वो mbasic.facebook.com से ज़्यादा आसान है करना कंपेयर टू facebook.com या m.facebook.com। तो मेरा भी यहाँ पर प्लान क्या है आप लोग सुनिए, मेरा प्लान यहाँ पर यह है कि जितनी भी फ़ोटोज़ दिखा रहा है, अगर मैं इनमें से किसी भी एक फ़ोटो को खोलता हूँ, मैंने नई टैब में खोला है इसको और उसके बाद मैं व्यू फुल साइज़ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए व्यू फुल साइज़ हो जा रहा है। अगर मैं इसको डाउनलोड कर पाऊँ और ऐसा मैं लूप के अंदर डाल के इन सारी इमेजेस के लिए कर लूँ, यानी कि इस इमेज के लिए इसके लिए इसके लिए, और जब ख़त्म हो जाए तो मैं शो मोर पे क्लिक कर दूँ और उसके बाद मैं फिर से ऐसा करता रहूँ। ऐसा मैं कब तक करता रहूँगा? तब तक करता रहूँगा जब तक शो मोर दिखना बंद हो जाए, या फिर तब तक करता रहूँगा जब तक मे बी जितनी इमेजेस मुझे चाहिए, 100 चाहिए तो 100 इमेजेस कंप्लीट हो जाए। चलिए अब इन सब बातों को करते हैं बंद और चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने सिंपली लॉगिन कर लिया है लविश कर के अकाउंट में, और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कुकी की मदद से खोल लिया है mbasic.facebook.com/hindi-coding-zone। ये कोड आपको मिल जाएगा मेरे इस वाले ट्यूटोरियल में, फोर्थ वाले ट्यूटोरियल में, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक रहते हैं। आप लोग जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, वहाँ पर भी आपको कोड मिल जाएगा। और अगर आप लोग नहीं, आपको नहीं मिल रहा है कोड, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देता हूँ अपनी वेबसाइट का जहाँ पर कोड होता है, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हालाँकि इसका भी कोड मैं आप लोग को जो है देने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरा प्लान क्या है आप लोग सुनिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो चीज़ें इसको डालूँगा एक फॉर लूप के अंदर। और अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देख लेते हैं क्या हम लॉग्ड इन हैं। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करके रन करूं और इसके बाद मैं देखूं यहाँ पर कि लॉगआउट लिख कर आ रहा है या नहीं, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं लॉगआउट। अभी अभी मैंने लविश कर देखा था, लविश लिखते हैं ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लविश लविश लिख कर आ रहा है, यानी कि हम लॉग्ड इन हैं, तभी तो लविश लिख कर आ रहा है, वरना लविश लिख कर जो है क्यों आता। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं लविश कर लॉगआउट लिख कर अभी आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पर जो है लॉग्ड इन हैं। अब अपना आगे का काम करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग फ़ोटोज़ को डाउनलोड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, url:mbasic.facebook.com/hindi-coding-zone लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, इससे पहले index=0, ये हमारा काउंटर होगा जिससे मैं काउंट करूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अब मैं एक वाइल लूप लगाऊँगा और उसके अंदर लिखूँगा वाइल index=6। मैं ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ। आप लोग जो है अपना लगा दीजिएगा कोड 3600, 50, 2000, 10000, 15000, जितनी भी इमेजेस के साथ आप लोग चाहते हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, फेसबुक सबका बाप है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग कर पाएंगे पूरा फेसबुक अपने कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस बना लें, ऐसा नामुमकिन है। कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर देगा, लेकिन मुझे अभी तक ब्लॉक नहीं किया, और अगर आपको किया हो तो मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन अच्छे से चलता है ये वेब स्क्रैपिंग के टूल्स। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, और मैंने यहाँ पर जैसे कि लिखा है url=, ये तो एक काम करते हैं इस url वाले को हटा देते हैं बाहर और इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो इनिशियली मेरा url क्या है, mbasic.facebook.com/hindi-coding-zone। इसके बाद मैं अपने वाइल लूप में घुस रहा हूँ, वाइल लूप में घुसने के बाद मैं data=, अपने कुकी से इस url को खोल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉग्ड इन भी रहना है साथ साथ और इस url को भी खोलना है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ data=this, soup=this, और इसके बाद मैं एक प्रिंट URL भी लिखूंगा यहाँ पर जस्ट टेस्टिंग के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे कम से कम URL तो मेरा दिख जाए जब मैं काम करूँ। तो अब मैं जाऊँगा फॉर आई इन soup.findAll, और फाइंड ऑल के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर a, और क्योंकि मैं यहाँ पर href लेना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा href true। ये हम तब लिखते हैं जब हम चाहते हैं किसी URL को एक्सट्रैक्ट करना, किसी एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि href है एट्रीब्यूट किसी URL में अगर है तो। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा if i href। अब आप लोग एक चीज़ देखना, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ ले जाकर वहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको ये वाला जो URL है, ये जो URL है इन इमेजेस के, यानी राइट क्लिक इंस्पेक्ट,
इसका जो HREF है उसके 0 से लेकर 23 कैरेक्टर्स अगर मैं देखूँ तो वो होंगे हिंदी कोडिंग zone/photos। यहाँ से आप गिन लीजिएगा, मैं अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 0 to 23 equals to मैंने गिने हैं लिटरली, मैंने बैठ कर गिने हैं, मैं कोई जादू नहीं कर रहा मैं बैठ कर। हिंदी कोडिंग जोन स्लैश फोटोज़ यानी कि ये पार्ट, तो मैं इतना पार्ट जो है ऐसे कॉपी कर लूँगा, ऐसे कॉपी करके यहाँ रखता हूँ और उसके बाद यहाँ ऐसे आ जाता हूँ Ctrl+C हिंदी कोडिंग जोन स्लैश फोटोज़। तो मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ स्लैश हिंदी कोडिंग जोन स्लैश फोटोज़, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से गिनेंगे यहाँ तक, 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 23 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तब आपको क्या करना है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक लिस्ट बनानी है, उसको मैं जेड कह रहा हूँ और मैं करूँगा z.append, लेकिन जेड मैंने इनिशियलाइज़ नहीं किया इसलिए मैं जेड यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दूँगा, एक ब्लैंक लिस्ट। अब उस ब्लैंक लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं उस ब्लैंक लिस्ट के अंदर डाल दूँगा अपना ये वाला HREF आई और उसके बाद HREF, यानी कि इसका जो URL है वो मेरा जेड के अंदर आ जाएगा। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मान लीजिए मैं ऐसा करते जा रहा हूँ, अब मैं एक और इफ स्टेटमेंट लिखूँगा, मैं कहूँगा अगर मैं आ गया हूँ शो मोड तक, ऐसा करते करते अगर मैं नीचे तक आ गया, यानी कि इफ़ i.text.lower, लोअर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोअर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी शो मोर का एस कैपिटल आता है, कभी एम कैपिटल आ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी दोनों एस और एम स्मॉल आ जाते हैं, इसलिए मैं शो मोर स्मॉल में लिख रहा हूँ और इसको लोअर में कन्वर्ट करके इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर ये मुझे कैपिटल स्मॉल से कन्फ्यूज़ करे तो प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे URL इज़ इक्वल टू जो हमारा बेस URL है वो, यानी ये तो हमारा बेस URL है, इसमें हम प्लस क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे IHREF यानी ये वाला URL, ये पूरा URL हम जोड़ेंगे। तो मेरा फाइनल URL क्या बनेगा, एक मिनट मुझे स्लैश हटाना पड़ेगा क्योंकि स्लैश दो बार आ जाएगा, mbasic.facebook.com/ ये जो भी आने वाला है मेरा, जो भी IHREF में है मेरा, अभी तो 0 से 23 तक इतना है, लेकिन IHREF जो है एक बहुत बड़ा URL होगा, तो ये जो मेरा URL है वो मेरा फ़ोटो का URL होगा। तो मैं फ़ोटो का URL नहीं, ये वाला URL होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ चल के, ये वाला URL, ये URL। इसके बाद मैं इसमें से व्यू फुल साइज़ का URL लूँगा, वो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ये सारे URLs को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा कर लिया, जैसे ही मैं ये सब कर लूँगा, मैं यहाँ पर एक ये लिखूँगा index equals to index plus one, क्योंकि मैं ऐसा 6 बार करना चाहता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं नीचे, अब मैं यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट बनाऊँगा फ़ोटोज़ की, ये मेरी जो लिस्ट है वो कैरी करेगी सारे फ़ोटो के URLs, और मैं एक और num equals to 0 बनाऊँगा जो कि मेरी इंडेक्स होगी। अब मैं बोलूँगा फॉर URL इन जेड, जेड क्या था हमारा URL की लिस्ट, कौन से URLs की लिस्ट, इस तरह की URLs की लिस्ट, उन सारे URLs के लिए मैं व्यू फुल साइज़ का URL लूँगा और व्यू फुल साइज़ पर जो भी फ़ोटो है उसको डाउनलोड करूँगा। मैं ये फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन ये फ़ोटो जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजोल्यूशन की है। तो अब देखो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर URL इन जेड, और ये लिखने के बाद मैं करूँगा URL इक्वल्स टू, सबसे पहले मेरा बेस URL जो है वो, और उसके बाद प्लस URL। ऐसा मैं क्यों करूँगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं ऐसे कॉपी कर लूँ प्लस URL। देखिए मेरा जो URL था उसमें मैं उसके पीछे ये लगा दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर URL किया लिया था, यानी यहाँ पर जो मैंने जेड में अपेंड किया था वो मैंने सिर्फ एंड वाला टेल अपेंड किया था, उसमें mbasic.facebook.com नहीं था, इसलिए अब मैंने mbasic.facebook.com भी लगा दिया। अगर आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिर से देखिए चलाकर वीडियो को, और मेक श्योर कि आप लोग कोड समझ जाएँ, और मुझे बताइए डिस्क्रिप्शन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, मैं पर्सनली आपको समझाऊँगा, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। और मैं लिखूँगा डेटा इज़ इक्वल टू request.get और उसके बाद मैं लिखूँगा URL, यानी कि मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ अपने कुकीज से URL को खोल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कुकीज़ इज इक्वल टू cj, उससे क्या होगा ये इंश्योर करेगा कि मैं लॉग्ड इन हूँ। फिर मैं यहाँ से सूप डॉट ये वाला कॉपी करूँगा, सूप इज इक्वल टू bs4 वाला, अपना जो खोलने का कोड है वो तो एकदम सेम है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर आई इन सूप डॉट फाइंड ऑल के अंदर मैं लिखूँगा a,
और फिर से मैं एचआर ये फिजिकल टू लिखूंगा ट्रू। अब मैं अपने इस फॉर लूप के अंदर आऊंगा। अब मैं बोलूंगा इफ आई डॉट टेक्स्ट डॉट लोअर, इफ आई डॉट टेक्स्ट डॉट लोअर इक्वल्स टू क्या देख लेते हैं चलकर, इक्वल्स टू व्यू फुल साइज। व्यू का वी कैपिटल क्यों नहीं लिया मैंने, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो मैंने लोअर में कन्वर्ट क्यों किया, मैं एक और बार बताता हूँ। कभी कभी ये वी का व्यू का वी कैपिटल दिखाता है, कभी फुल का एफ कैपिटल दिखाता है, कभी व्यू का वी स्मॉल दिखाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को इस स्मॉल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ और उसके बाद कंपेयर कर रहा हूँ, तब मेरा ये कंपैरिजन जो है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ और इसको फिर यहाँ पर सारे स्मॉल लिख रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फोटोज डॉट अपेंड, और फोटोज डॉट अपेंड आई एच आर ई एफ। उससे क्या होगा, मेरे फोटोज के अंदर जो है इसका यूआरएल आ जाएगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसी के साथ साथ फोटोज में अपेंड कर दूंगा आई एच आर ई एफ। उसी के साथ साथ मैं लिखूंगा यू आर एल लिब डॉट रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल रिट्रीव। यू आर एल रिट्रीव क्या करता है, डाउनलोड कर देता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई एच आर ई एफ सबसे पहले, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फाइल का नाम जो कि मेरा होगा एस टी आर ऑफ नम प्लस जेपीजी, क्योंकि जेपीजी एक्सटेंशन में रखता है फेसबुक सारी फाइल्स को। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, नम को नम इज इक्वल टू नम प्लस वन कर देते हैं। मुझे नहीं पता ये कोड रन करेगा या नहीं, लेकिन इसमें कोई गलती होगी तो हम उसको ठीक करेंगे और वापस से इसको रन करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ मैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि फेसबुक मुझे कब ब्लॉक कर दे ये सब करने में, क्योंकि ये सब फेसबुक डेफिनेटली अलाउ नहीं करता है। मैं देख रहा हूँ कि कितनी फ़ोटोज़ मैं कर पाया, और उसके बाद मैं सारे फ़ोटोज़ के यूआरएल को भी प्रिंट करना चाहूँगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, और रन करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने फोल्डर में, ये रहा मेरा फोल्डर। रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या यहाँ पर फोटोज़ आ रही हैं या नहीं, क्योंकि ये मेरा फोल्डर है, यहीं पर मेरी सारी फोटोज़ आएंगी। इसी आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.jpg, 1.jpg, 2, ओ मैंने डॉट नहीं लगाया, आई एम सॉरी मैंने डॉट नहीं लगाया। अगर मैं डॉट लगाऊँ यहाँ पर तो शायद ये सब ठीक हो जाए। तो मैं प्रोग्राम को स्टॉप करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर .jpg लगा दूंगा, और यहाँ पर जो फाइल्स बनी है इनको डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट डिलीट, और अपनी इस गलती को सुधार दिया मैंने। अब मैं रन करूँगा फिर से, और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर फोटोज़ डाउनलोड हो रही हैं या नहीं। अभी सारे URLs जो है उनको ये ले रहा है। अब देखिए, अब 0.jpg, 1.jpg, बहुत बढ़िया। तो हमने जो सोचा था वो हमने अच्छे से अचीव कर लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने ये सारे फ़ोटोज़ जो हैं डाउनलोड कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसी बात पर आप जाइए मेरे फेसबुक पेज पर, लाइक करिए। इतनी इतनी मज़ेदार फ़ोटोज़ हम लोग पोस्ट करते हैं वहाँ पर, जिसमें काफ़ी फ़न होता है, और आप लोग जाइए वहाँ पर और आप लोग को भी मज़ा आएगा, बिलीव मी। लाइक कीजिए, और वहाँ पर आप लोग कमेंट मारेंगे तो मेरा रिप्लाई भी आप लोग को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ पर कोड है, और आप लोग ट्राई कीजिए इसको बड़े नंबर्स के लिए, और मुझे बताइए कब आपको फेसबुक ब्लॉक कर रहा है। मुझे नहीं लगता आपको फेसबुक ब्लॉक कर पाएगा अगर आप लोग धीरे धीरे करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग जैसे ही इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए टाइम डॉट स्लीप, और टाइम डॉट स्लीप लिखने के बाद यहाँ पर सेकेंड्स लिख दीजिए, और इम्पोर्ट टाइम करके इम्पोर्ट कर लीजिए टाइम मॉड्यूल को। मैंने टाइम मॉड्यूल सिखा रखा है अपने पाइथन ट्यूटोरियल्स में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।